आज की आखा तीज, आज के भी अबूझ सावे होते हैं ना, सावे मतलब हाँ शादियां तो है ना, आज आज की भी बहुत शादी है। इसके बाद जमा करनी रीसा, जमा करनी, कैसे हैं आप सभी? और कितनी अच्छी बात है कि अपने जो कन्नी फैशन वाली आईडी आप सभी की, उस पर भी बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं। आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी के प्यार से बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हो जाए। कहाँ पर है कन्नी फैशन? सर ये जयपुर में है, जयपुर में भी 2 स्टोर है, एक कालवाड़ रोड पर है, दूसरा वैशाली में है। और इसके अलावा और भी आपको अच्छी लोकेशन मतलब चाहिए आने के लिए, तो आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं कन्नी फैशन रतन चौहान, जहाँ से आपको लोकेशन मिल जाएगी। अच्छी लोकेशन है, मतलब ऐसे विजिट करते हैं तो मन को अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, जयमा कन्नी रीसा कैसे हैं आप सभी? क्या बोल रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? आज भी मैं लाइव हूँ ना, तो एक आर्टिकल दिखाने के लिए लाइव हूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आप सभी से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो अपने पास में नया आर्टिकल आया है वो आप सभी को बताने वाली हूँ। स्पेशली वो भाई सौरों के लिए हैं, तो जो भी भाई सौर लाइव देख रहे हैं ना, वो लाइव में रहिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मल्टीपर्पज़ का वो आर्टिकल है, मल्टीपर्पज़, आप उसको कैसे भी यूज़ में ले सकते हैं, और बहुत ही प्यारा आर्टिकल है भाई साहब। मुझे चुनरी पसंद आई, चुनरी मतलब हाई पसंद करने वाली चीज, और एवरग्रीन है, कभी पहन लो, जैसे एवरग्रीन सॉन्ग होते हैं ना, कभी भी सुन लो तो अच्छा लगता है, ऐसे चुनरियां और चुनरी वाले जो सूट होते हैं ना, एवरग्रीन होते हैं, कभी भी पहनो आप, कभी उनका ट्रेंड जाता ही नहीं है, हमेशा चलने वाली चीज है वो। जमा करनी दी साथ, जमा करनी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कन्नी फैशन पर भी 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत जल्दी होने वाले हैं, वह आप सभी के प्यार से, आप सभी के सपोर्ट से और माँ कन्नी के आशीर्वाद से होने वाले हैं। शॉप ओपन करना है, आप कुछ बताना सा? हाँ बिल्कुल, कॉटन प्रिंटेड शर्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, होलसेल में अपने पास में अवेलेबल है आर्टिकल्स। बट हाँ, मेरा, मैं क्वालिटी में वर्क करती हूँ, मेरा मेन पर्पस है क्वालिटी में काम करना, तो अगर क्वालिटी चाहिए तो कन्नी फैशन से जरूर कांटेक्ट करें। जय माँ कन्नी री सा, कॉन्ग्रेचुलेशन रतन जी, अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, जब हो जाए ना उसके बाद आप मेरे को बहुत सारी बधाइयां देना। आपकी शॉप कहाँ है? जयपुर में, मैंने बताया ना, आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे ना कन्नी फैशन रतन चौहान, और अब तो कन्नी फैशन रजिस्टर्ड भी हो चुका है, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसकी मैं आप लोगों को पार्टी दूंगी बहुत जल्दी। ये मतलब बहुत बड़ी बात है, और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ अनिता मैम की वजह से, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने तो फिर भी बीच में थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी कि यार नहीं हो पाएगा, बट बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि हाँ, कन्नी फैशन के आगे भी अब आ रहा है फाइनली। कोई ऐसे कह रहे हैं पूरा जो पूरी इंस्टा फैमिली है आपकी शॉप पर आ रहे हैं, आप कृपया करके आप चाय की व्यवस्था कीजिए, कितने भी जने आ जाओ, चाय की व्यवस्था हमेशा मौजूद है। और पंडित जी की थड़ी है सामने ही, पंडित जी की थड़ी, और बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, बहुत शानदार चाय बनाते हैं। आप लोग चाय आओ ना कभी भी तो जरूर आना, और चाय जरूर पी के जाना, मैं पिलाऊंगी मेरी तरफ से चाय, कभी भी आइएगा। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कन्नी माँ की दया से, बहुत बढ़िया। मैंने पी थी, आया था तब, डैम श्योर अगर आप यहाँ आए होंगे तो जरूर पी होगी। How can I check your shirts online? मैं जहाँ लाइव हूँ ना, आप यहीं पे, मैंने बहुत सारे शर्ट्स अपडेट किए हुए हैं, बहुत सारे फोटोज मैंने अपडेट कर रखी है,
और उसके नीचे ना मैंने दो नंबर दे रखे हैं हमेशा की तरह। तो जो एक नंबर है ना उस पर तो आप कॉल करके जो भी क्वारी है वो पूछ सकते हैं, और जो दूसरा नंबर है ना उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक भी आपको सही नहीं लगता है तो ये इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, यहाँ पे एक मैसेज का ऑप्शन आता है, डीएम का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप डीएम करके अपनी क्वारी पूछ सकते हैं कि भाई साहब मुझे शर्ट परचेज करना है, भाई साहब मुझे ट्राउजर परचेज करनी है, हाउ कैन आई परचेज, मैं कैसे परचेज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो वहाँ आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। जय माँ करनी ईसा, जय माँ करनी ईसा, जय माँ करनी। मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब बैक टू बैक लोग फॉलोइंग यू, जैसे क्रिश भाई जी ने भी फॉलो किया है, ये शशिपाल जी ने भी फॉलो किया है, तो मतलब थैंक यू सो मच। मतलब मेरे को ओनली रील्स में ही नहीं, ऐसे लाइव भी मैं आ रही हूँ तो उसमें मुझे पसंद किया था, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आउटसाइड ऑफ इंडिया जी बिल्कुल, जहां भी आपको मंगाना है वहां अपना आर्टिकल आप लोग मंगा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी मेरे काफी सारे आर्टिकल्स जाते हैं। तो मैं आपको एक नंबर देती हूँ, मतलब नंबर आपको मिल जाएगा इसी आईडी पे, आपको नंबर आप उससे बात कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको जो भी आर्टिकल्स मंगवाने हैं आप आउट ऑफ इंडिया भी मंगवा सकते हैं, नो इशू, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय माँ करनी रीसा। तो मैंने यही बताया कि दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर कॉलिंग का है, आप उस पर कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, और दूसरा नंबर व्हाट्सअप का है, वहाँ व्हाट्सअप से अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता देती हूँ कि कन्नी फैशन किसी भी ई कॉमर्स होता है ना, ई कॉमर्स पर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब आपको कन्नी फैशन किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं दिखेगी। हम पर्सनली हमारे ऑर्डर्स लेते हैं, हमारा पर्सनली काम है, चाहे दिन का एक ऑर्डर आए चाहे दिन के 50 ऑर्डर आए, वो हमारे पर्सनली होते हैं, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमारी जो जो स्टोर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन हमारी खुद की ओन वेबसाइट है kannifashions.com, वहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और फिर से बता देती हूँ, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कन्नी फैशन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट है kannifashions.com, वहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और दूसरे हम लोगों ने नंबर प्रोवाइड करवाए हैं, वहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे अच्छी और सबसे पसंदीदा और सबसे फेवरेट बात मेरी कि आप लोग स्टोर पे आके विजिट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है। कोई ऐसे बोल रहा है आज क्या है, आखा तेज की छुट्टी नहीं होती क्या? नहीं, आखा तेज की छुट्टी, हमारी छुट्टी कब होती है? मेरे को नहीं लगता कि हमारी छुट्टी भी होती है कभी। पूरे पूरे टाइम हमारी शॉप ओपन रहती है, मतलब छुट्टी होती है, जैसे दिवाली वाले दिन भी हम लोग दिवाली वाले दिन भी आते हैं ना अपन, दिवाली वाले दिन आते हैं, दिवाली वाले दिन भी हम लोग पूजा करके जाते हैं। एक सिर्फ होली वाले दिन छुट्टी थी होती है और एक संक्रांत वाले दिन छुट्टी होती है। तुलंडी वाले दिन नहीं आए थे, दुलंडी की छुट्टी नहीं होती है, बाकी हम लोग हमारी शॉप हमेशा ओपन रहती है, हमेशा 365 दिन दुकान खुली है, आप कभी भी आ सकते हैं, बस एक तो होली को टाल देना और एक संक्रांत को टाल देना। हम और मेरा रक्षिता का बस चले तो हम तो उस दिन भी आ जाए, लेकिन डर लगता है होली वाले दिन तो कोई पकड़ ना ले, और संक्रांत वाले दिन ऐसे कि मुझे पतंगे वगैरह उड़ाना बहुत पसंद है, तो इसलिए हम संक्रांत की छुट्टी, नहीं तो शर्ट बहुत सुंदर है। जमा का निरी साहब दुलंडी, हाँ दुलंडी की रहती है बस, तो फिर 363 दिन हुए ना, हाँ हम लोग सोच रहे हैं कि इनको 363 से 365 ही कर देते हैं, हम होली वाले दिन भी आएंगे और संक्रांत वाले दिन भी आएंगे। हाँ क्योंकि हमारे स्टोर के ऊपर भी एक छत है, तो हम मैं सोच रही हूँ पतंग वहां से उड़ा लेंगे, और अगर होली वाला दिन रहा तो हम एक दिन पहले यहीं स्टे कर लेंगे और यहीं पे रुक जाएंगे, बाहर जाना होगा ही नहीं। दीदी आप गुजरात आना, मैं गुजरात बहुत बार आई हूँ। शर्ट बहुत अच्छा, ये शर्ट मेरा नहीं है, ये मोनू का है,
आपको मेरे पहने में जो भी शर्ट अच्छे लगेंगे वो मेरे बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो मोनू या तो मोनू के होंगे या छोटे मोनू के होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अब कपड़े पहनती हूँ ना तो वो कन्नी फैशन के ही पहनती हूँ। यहाँ से जैसे कहीं जाना होगा तो जल्दी से मैंने अक्कू को बोला अक्कू प्लीज कोई शर्ट निकाल दे, तो वो शर्ट निकाला। अभी जैसे हम लोग पुणे घूमने गए थे तो वहाँ भी मैंने जो कॉट शर्ट पहना था ना वहाँ बीच पे वो कन्नी फैशन का ही था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कहीं घूमने फिरने जाना है जहाँ कोई शर्ट पहनना है तो वो कन्नी फैशन वाले पहन लो।